आज हमारे पास एक मैनुअल स्टेबलाइजर है 5 किलोवाट का, जिसका कि ये मेन स्विच जल गया है। ये देखिए फ्री हो गया, इसे चेंज करते हैं। ये देखें जला हुआ है। अभी जो सभी लूप्स हैं 1 से 8 वो सीधी कर लें, ताकि स्विच लगाने में कोई परेशानी ना हो। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8 लूप है। ये नया स्विच है, इसकी जो पेन पेच थिम्बल कह रहे हैं, ये वाली 1 नंबर पिन, 2 ये वाली, 3 4 5 6 7 8 ये वाली इनपुट होती है, ये इनपुट होती है जो मेन इनपुट है। ये देखिए जो 1 नंबर ट्रांसफार्मर होता है और रिले को जाती है, ये आउट होती है, ये इन और ये आउट। चलिए इसके पेच और तारे लगाते हैं। ये 30 एम्पीयर की है, 30 एम्पीयर, सतनाम कंपनी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, A1 है, इससे बढ़िया कोई स्विच नहीं आती। एक ये आउटपुट पावर है, जो कि एम्पेयर मीटर रिले और बाहर जाती है आउट के लिए। ये वाली आउट वाली तार और 1 नंबर जो सिंगल वायर होती है, ये वाली, ये दोनों साथ में लेकर 1 नंबर पिन में लगा देनी है। अब ऐसे ही अब 2 3 4 5 6 जैसे जैसे हमने लूप निकाली थी 1 से लेके 8 तक लगा देनी है। ये देखें ये कसती है, ये कॉमन है न्यूट्रल, और जो बाहर की तरफ ये आउट है, जो ले ये हर ले से मीटर और मीटर पे 1 नंबर था वायर जो हमने 1 नंबर स्विच पर लगाई थी। अब स्विच लगा दिए पर ये हटो कट नहीं कर रहा है, 300 वोल्ट निकल रही है इसकी, ये देखिए तो ये कट नहीं कर रहा है। तो ये प्रीसेट खराब है,
4 पे 7 प्रीसेट है, इसे चेंज करते हैं। ये देखिए चेंज कर दिया अब, ये देखिए कट, इसे आप आसानी से कर बैठकर भी रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये कोई भी कर सकता है। ये देखें वोल्टेज दी तो यहाँ पर हमने कट करवाया, कट हो गया।